एक बार की बात है, दुबे का छपरा नामक गांव में अनमोल द्विवेदी अपनी पत्नी ज्योतिकली देवी के साथ रहता था। 1907 में उनके घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी और संस्कृत भाषा गहन अध्ययन किया। कुछ समय तक उन्होंने शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। विश्व में द्विवेदी जी एक श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध थे। सन 1989 में लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से द्विवेदी जी को डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया तथा 1957 में भारत सरकार ने द्विवेदी जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कुछ समय बाद 19 मई सन 1979 में इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई।